ये टूर्नामेंट आपके लिए कितना क्रूशियल था अगर मैं उसे स्टार्ट करूं? मैं इंटरस्टेट के बाद ये भागा, तो इंटरस्टेट में मैं ओलंपिक ट्रायल में फाइनल तक पहुंचा था, तो इस बार मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं गोल्ड मारूंगा, बट जस्ट मिस हो गया। तो यू नो आई मीन आप देख रहे थे ऐश्वर्या मिश्रा एक सीजन एथलीट है, आपसे सीनियर भी हैं, उसमें रुकल भी थी, रुकल बीन ओवर एक्सप्लॉइट इन अंडर 20, तो वो प्रेशर कहीं था कि नहीं आज आप किलिंग मोड में आए? नहीं, आज तो मैं किलिंग मोड में था, कोई प्रेशर नहीं था, बस मुझे गोल्ड ही मारना था। और ऐश्वर्या मिश्रा को मैं पहले से नहीं पहचानता था, सर ने मुझे उसका स्टोरी बताया कि वो इंटरनेशनल एथलीट है और एशियन चैम्पियनशिप भी गया था, उसमें ब्रॉन्ज लगा था उसका, बट मुझे कोई बात का डर नहीं था, सिर्फ मुझे बेस्ट टाइमिंग और गोल्ड मारना था। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सर के पास है, सर पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसका ट्रेनिंग डाइट वो सब सर कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंट था। नहीं, पहले मैं 400 नहीं कर रहा था, और मैं एक ही बार भागा था यूनिवर्सिटी में, मैं 101 भागा था। अच्छा, वो 101 क्या था? चेन्नई यूनिवर्सिटी। क्या इवेंट क्या था? 400। उसके अलावा पहले क्या करते थे? मैं 100-200। फिर सर ने ऐसा क्या बोला कि नहीं कि हाँ लगा 400? लास्ट टाइम मैं 120 गया था ना, 123, तो मैं 200 में 1 माइक्रोसेकंड के लिए फोर्थ हो गया था, 24.72 ब्रॉन्ज मेडल, 24.73 में फोर्थ। फिर सर ने वो लाइव रेस देखा था, फिर सर ने मुझे मीट किया और बोला कि 100 में इंडिया का लाइफ नहीं है, क्योंकि वो सब बेटर करता है ना, इंटरनेशनल हो रही है इंडिया का, बोला कि 400 करो अच्छा होगा, तो मैं 400 ज्वाइन किया। जब बोला 400 तो ऐसा नहीं लगा कि ओके अब तो सब गड़बड़ हो गया, मे बी आपको स्टार्ट फ्रॉम द से ऐसा कोई टेंशन नहीं? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या उम्र क्या थी जब हमने स्टार्ट किया 400 मीटर? बस जस्ट 7 मंथ हुआ। 7 मंथ हुआ? या 7 मंथ में थे 50 थे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक 53 और हैंड वॉच 52 लगाया था। हैंड वॉच 52 मारा? हाँ। तो आगे नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली वी हैव सीन कि इंडिया का जो 100 मीटर 400 मीटर टीम जो होती है दे नॉर्मली डू वेल एट द एशियन मीट। हां, के बारे में सोचा है? हाँ, सोचा है। कि मैं इंडिविजुअल में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लगाऊं। रिले में तो सब लोग भागेंगे, बट इंडिविजुअल में इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा, गोल्ड आएगा। हाँ, हिमा दास 123 में लगाया था। उधर अगर ध्यान दोगे तो नॉर्मली वो मिलती है सालवा, ये सालवा नसे। हाँ, उसका कभी रेस देखा है? हाँ, मैं एक ही देखा था, 2019 में वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो थोड़ा आपका मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गुजरात में? या गुजरात में कहाँ? राजकोट सिटी। तो ये जो एक्सेंट है आपका, ये दिस इज राजकोट का एक्सेंट? हाँ। तो दिस इज द गुजराती एक्सेंट? या तो टेल अस अबाउट योर लाइफ ओवर देयर, फॉर समबडी लाइक यू कमिंग फ्रॉम राजकोट और पेरेंट्स को बोला कि आई वांट टू एथलेटिक्स, तो क्या बोला? मेरे पेरेंट्स तो फुल सपोर्टर है मैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं, मेरे पापा भी स्पोर्ट्स करते थे, फिर उसने मुझे, मेरे पापा क्रिकेट खेलते थे फर्स्ट, तो उसने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया कि तू, नहीं नहीं जस्ट वो तो उसका तो मुझे पूरा पता नहीं, माय मदर तो हाउस वाइफ। तो कब लगा कि नहीं आई डोंट वांट टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स बट आई वांट टू और मुझे बस स्पोर्ट्स में आगे जाना था, क्योंकि इंटरनेशनल रेस में देखता था, तो मैं सोचता था कि ये लोग इतना क्या कर रहा होगा, तो मतलब ऐसे टाइमिंग आ रहा है, ऐसे भाग रहे है। फिर मैं बस मैं सोचा कि मैं करता ही रहूँगा, एक दिन मेरा भी टर्न आएगा, तो मैं अभी गॉड्स को भी थैंक बोलना चाहती हूँ कि मुझे अर्जुन सर जैसे कोच मिले और मेरे पेरेंट्स भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी व्हाट डज योर फादर डू? हां, अभी पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस है। बिजनेस है? डोंट माइंड मी ऐसी, कितना हाउ मच डज ही अर्न, लाइक वो आपको सपोर्ट कर पाते हैं टुडे? या फुल सपोर्ट। सो नॉर्मली लाइक कितना, लाइक हाउ वेल ऑफ यू कैन से कितना कमा लेते हैं? वो तो पता नहीं, बट एनफ फॉर यू टू? या या। तो क्या ऐसे आप ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा वर्चा आता है पूरा वापस? हाँ, कितना कभी कितना खर्चा आता होगा?
अराउंड 25 उस 31 मंथ का, क्योंकि दो तीन मंथ के बाद ये स्पाइक शूज। तो नॉर्मली मैं देखता हूं, नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर अ व्हाइल ये समझ में आया था कि इंडिया में वो अगर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा तो आप बाहर चले जाते हैं। हम लोग वो खर्चा भी बाबा मैनेज कर लेंगे या और यू देखते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, आगे जैसे रेसेस अच्छा जाएगा, मेडल आएगा, कोई स्पॉन्सर मिले, देखते हैं। कुछ एम्बिशंस क्या है अगर मैं पूछूं, क्या है एम्बिशन जो आपने जब स्टार्ट किया था, एम्बिशन क्या सोचा है? तभी तो कुछ नहीं सोचा था, मैं जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया और बस एक ही सोचा कि मैं करता ही रहूंगा, करता रहूंगा। कुछ तो पुल होगा जो आपको लगता है नहीं मुझे बड़ा मजा आता, क्या एक कुछ तो बात होगी ना जो आपको ट्रैक में वापस हमेशा लेके आता है, अच्छा तो ये है कि वो कहता है ना जो मेहनत करता है वो कभी कहीं नहीं रुकता है, बस वही बात याद है कि मेहनत करता रहो और बस एक ही फोकस है कि मैं इंडिया में और वर्ल्ड में फेमस होना है, बस मेहनत फेमस होने का वो पुश चाहिए या इंडिया के लिए कुछ करना है। तो ये पुश कब से फील किया आपने? कब? मैं 400 स्टार्ट किया था उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 100 में मैं हिट्स आउट ही होता था, कभी फाइनल में नहीं बैठा हूं। तो एंबिशन कौन सा मोमेंट है जब लगा कि नहीं ये दिस इज माय थिंग, 400 मीटर इज माय थिंग? या 400 मीटर कब वो फीलिंग आई, कब वो फीलिंग सर के पास जब ज्वाइन किया था? अच्छा, वो ट्रेनिंग में दौड़ के पता चला। हां, सर ने ऐसा क्या बोला कि सर ने बस ऐसा ही मेरे पापा से बात किया था कि 100 में कुछ लाइफ नहीं है, जितना भी आप मेहनत करो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नेशनल्स के लिए होगा और आप करोगे तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेट्स कर पाओगे, इंटरनेशनल मेडल तो नहीं होगा। सर ने बोला आपको बिलीफ आया, पर कंफर्म कब हुए कि हां चांसेस में थे? मैं ट्रेनिंग किया और सर ने मेरा फर्स्ट टाइम ट्रायल लिया तब तो मुझे मैं अच्छा टाइमिंग भागा, 10 जब मैं यूनिवर्सिटी में 101 भागा था, उसके बाद सर ने मेरा ट्रायल लिया, मैं 55 भागा था तब। कुछ प्रिपरेशन की थी उसके लिए, ट्रायल सर के पास ट्रायल आने के लिए या फिर नहीं? नहीं, सर के पास ट्रेनिंग किया उसके बाद ही सर ने ट्रायल लिया था। सर ने क्या बोला रेशो क्या? 3 मंथ से हुआ था, सर बोला कि अच्छा है कि 3 मंथ में 5 सेकंड काट लिया, फिर तब से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं 49:50 तो 2-4 साल में लगा दूंगी। 49 भी तो था, 49 की बात करें किसी इंडियन ने आज तक मारा नहीं है। हाँ, या 100% या कितना टाइम लगना चाहिए आपको? 2 इयर्स या हिमा दास की का 50.78 वाला रेसिपी था आपने? हाँ देखा था। क्या क्या लगा था वो देख के कि वो इतना तेज भागी, क्या क्या लगा, क्या क्या ऐसा क्या देखा? मैं ऐसे बेटर जा सकता, मैं इतना तो कुछ नहीं सोचा था कि ये क्या होगा, बस जस्ट उसका रेस देखा था और अभी तो एक ही है कि मैं 2-3 साल में मैं नेशनल रिकॉर्ड कर दूंगा, 49% लगाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज अरुण कश्यप रहता है? क्या कोई है नहीं तो कोई बात नहीं, आपसे फिर बाद में कभी फोन करके और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, अभी तो योर टाइम है, बहुत पूछना है यार, अभी तो जीवन का नहीं यार, नहीं मेरे पास स्कूल, बस फिर आई विल टेक अ नंबर।